व्हाट इज अप गाइस, यार वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 के बारे में। और इस टैब को एक्चुअली मैंने 8 से 10 महीने पहले ख़रीदा था अमेजन से सेल में, और उस वक्त मुझे ये पड़ा था कुछ 14,500 रुपये का। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आज ये डिवाइस कैसा परफॉर्म कर रहा है और क्या आपको आज के समय में इसको नया लेना चाहिए या फिर नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले का आइडिया देने के लिए मैं आपको इसे कंपेयर करके दिखा रहा हूँ अपने स्मार्टफोन की डिस्प्ले से। तो आप देखो और आप उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको इसकी डिस्प्ले कैसी लगी। अब हम बात करते हैं कि इतनी बड़े डिस्प्ले का हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इस टैब का स्टडी पर्पज़ के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। गाइस मैं पिछले 8 महीने से इसी डिवाइस में अपने ऑनलाइन क्लासेस कर रहा हूँ। मैंने इसमें 4 से 5 मेजर ऑनलाइन क्लासेस वाले एप्लीकेशन भी यूज़ करके देखे हैं और सारे के सारे इसमें वर्क कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के बाद अब हम बात करते हैं इसके रीडिंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बुक रीडिंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें खुद ढेर सारे बुक्स पढ़ते रहता हूँ। इनफैक्ट मैंने बहुत से बुक्स को डाउनलोड कर रखा है जो कि मेरे कोर्स के हैं, और मैं उनको इसी में पढ़ता हूँ। जब भी मेरे पास कोई अपने हार्ड प्रिंट वाले बुक नहीं होते तो मैं इसी में पढ़ता हूँ। और इसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है क्योंकि इसकी डिस्प्ले एक छोटी कॉपी की तरह रिजेंबल करती है, तो आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि आप एक बहुत छोटी डिस्प्ले में पढ़ रहे हो। तो इसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी सही है। और रही बात न्यूज़ वगैरह पढ़ने की, तो हाँ आप इसमें न्यूज़ वगैरह भी पढ़ सकते हो क्योंकि डिस्प्ले सफिशियंट है। 10.4 इंचेस की डिस्प्ले है जो कि काफ़ी इनफ डिस्प्ले है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखा देता हूँ कि बुक्स वगैरह इसे पढ़ने में कैसा लगेगा। तो आप उसको देखो और उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपके लिए सही है या नहीं है। रीडिंग एक्सपीरियंस के बाद क्या अब हम इसमें नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि इसमें ना तो कंपनी ने स्टाइलस सपोर्ट दिया है और ना ही इसमें पाम रिजेक्शन का सपोर्ट है। लेकिन अभी एक जुगाड़ है, आपको इस तरह के एक स्टाइलस पेन बनानी होगी और आपको अपने हाथ को इस तरह से एडजस्ट करना होगा कि आपका हाथ स्क्रीन में टच ही ना हो, या फिर आपको कोई कॉटन का क्लोथ रखकर भी आप इसमें लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको नोट्स राइटिंग का एक अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है सस्ते रेट में। और मैं तो भाई इसी को यूज़ करता हूँ, और मैं नोट्स बनाने के लिए भी सैमसंग का खुद का ही सैमसंग नोट्स ऐप इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि वो मेरे काम चलाने भर काफ़ी है। एक्चुअली मैं डिजिटल नोट ज़्यादा नहीं बनाता, बस मैं अपने टू डू लिस्ट वगैरह लिखता रहता हूँ और छोटे मोटे राइटिंग्स मैं लिखता रहता हूँ, और मेरे काम के लिए ये डिवाइस काफ़ी है। इसके बाद मैंने एक टेस्ट करने के लिए इसमें एक ड्राॅइंग भी बना के देखी थी, और आप देखो यार ये ड्राॅइंग कैसी बनी है। हालांकि मैं मान रहा हूँ ये हाई प्रिसीजन वाली ड्राइंग तो नहीं है, पर हाँ ये टाइम पास वाली ड्राइंग तो है और छोटे बच्चों को खुश करने वाली ड्राइंग है। अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे बच्चे वगैरह हैं तो आप उन्हें ये डिवाइस दे सकते हैं, वो इसमें अपने काम मन बहलाने के लिए ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको थोड़ा और टेस्ट करने के लिए सोचा और मैंने इसमें स्केचबुक ऐप को इंस्टॉल किया, और यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख के यार मैंने इसमें एक ड्राइंग बनाई। तो आप देखो और आप बताओ कि आपको ये ड्राइंग कैसी लगी। मेरे को तो ये काफ़ी डिसेंट लगी थी, और मैं तो हैरान था कि होममेड स्टाइलस और ये डिवाइस इतना अच्छा मिलके परफॉर्मेंस देगा, और ये मेरे को काफ़ी ठीक ठाक ड्राइंग लगी। अब आप देख लो कि मैंने DRM इन्फो ऐप खोल के रखा है, और यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे Wide 1 L1 सिक्योरिटी भी यहाँ पे सपोर्टेड है, तो मतलब आप HD कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। अब बात करते हैं टैब के हार्डवेयर के बारे में। तो गाइस ये मेरा ये टैब 3GB रैम 32GB रोम वाला वेरिएंट है, और इसमें माइक्रो SD कार्ड का भी स्लॉट है, और ये एक वाईफाई डिवाइस है, और इस डिवाइस को पावर कर रही है स्नैपड्रैगन 662, और ये लो एंड मिड रेंज चिपसेट है। ये आपको हल्के फुल्के गेम्स खिलवा देगी। और रही बात पबजी की, तो पबजी की 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं इसमें डाल चुका हूँ, तो आप उसको एक देख सकते हो। और वैसे मैं BGMI पे एक नई वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है, तो आप ये देख लो। और मैं इसमें कुछ ज़्यादा हैवी वर्क भी नहीं करता, मैं छोटे मोटे गेम्स वगैरह खेलता हूँ, मैं इसमें अपने ऑनलाइन क्लासेस करता हूँ, मैं अपने यूट्यूब वीडियोज़ के थंबनेल भी इसी से बनाता हूँ। और अब बात करते हैं इसके रैम मैनेजमेंट की, तो रैम मैनेजमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। 3GB के हिसाब से अगर आपको लग रहा होगा कि 3GB रैम काफ़ी कम है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि 3GB रैम कितना केपेबल है। यहाँ पे देख लो मैंने इतने सारे कुछ ऐप्स वगैरह खोल रखे हैं। अब आप मैं आपको एक एक करके ऐप्स खोल के दिखाता हूँ, और उसके बाद आप जस्ट बात करते हैं यार ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। क्यों
गाइस देखो यार, मैंने इसे फर्स्ट सेल में खरीदा था और मैंने इसे तकरीबन 14,500 में ख़रीदा था, तो मेरे लिए तो ये फुल टू पैसा वसूल डिवाइस था। लेकिन आज इसकी प्राइस बढ़ चुकी है और मार्केट में कुछ और भी ऑप्शंस आ गए हैं, तो क्या अब आपको इसको ख़रीदना चाहिए या फिर आपको दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए? तो गाइज मैं आपको बता दूं कि सैमसंग को इसके कंपटीशन से ऊपर उठाता है सैमसंग का सॉफ्टवेयर सपोर्ट, मतलब मुझे हर 3 महीने में एक अपडेट मिल जाता है इसको, और मेरे डिवाइस को एंड्रॉयड 11 का भी अपडेट मिल चुका है जो कि काफ़ी अच्छा है। बाकी कंपनीज जहाँ पे देखे तो वो अपने स्मार्टफोन्स को भी अपडेट नहीं देती, वहाँ सैमसंग ने अपने इस टैब को अपडेट दिया है, एंड्रॉयड 11 का अपडेट दिया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें नॉक सिक्योरिटी भी है, तो इस ये एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छा बनाती है। अब मैं आपको बताता हूँ इस डिवाइस से कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है इसकी बैटरी चार्जिंग स्पीड, इसको आपको चार्ज करने में कुछ 3.5 घंटे का समय लग जाएगा इसके रेगुलर चार्जर से। लेकिन अगर इसे जल्दी चार्ज करना है तब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपको कोई कंपनी का 18 वाट का चार्जर खरीदना पड़ेगा। 18 वाट के चार्जर के साथ आप 2 से 2.5 घंटे के बीच में इस डिवाइस को चार्ज कर पाएंगे। सेकेंड प्रॉब्लम की बात करूँ तो वो है फ्लैश लाइट का प्रेजेंट ना होना। गाइज़ अगर आप कुछ ऐसे एरिया में हो जहाँ पर लाइट सोर्स अच्छी नहीं है और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करने हैं या फिर फ़ोटो वगैरह खींचनी है, तब आपको उस केस में फ्लैश की कमी खलेगी और इसमें फ्लैश ना होने के कारण फ़ोटो काफ़ी ख़राब आने लगती है। तीसरी प्रॉब्लम की बात करूँ तो वो है इसका लैग इशूज़। गाइस अभी रिसेंटली इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉयड 11 का अपडेट आया है, तो एंड्रॉयड 11 के अपडेट के साथ मुझे रेगुलर लैग इशूज़ देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ढेर सारे नोटिफिकेशंस एक साथ आ जाने पे फ़ोन का लैग हो जाना, ऐप स्विचिंग में डिले होना, या फिर ऐप ओपनिंग में काफ़ी समय लग जाना, या फिर हल्के फुल्के लैग्स महसूस करना, ये सब इसमें काफ़ी फ्रिक्वेंटली देखने को मिल रहा है जो कि मेरे एक्सपीरियंस को ख़राब करता है। तो आई होप कंपनी से आने वाले OTA अपडेट्स में फिक्स करेगी। तो गाइस बस इतना ही था इस वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि आपको ये डिवाइस अभी ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। और अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको उनके जवाब कमेंट सेक्शन में ही दे दूँगा। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।